सब ग्रुप की एक थ्योरम है, जरा थ्योरम का स्टेटमेंट समझिएगा। ये कह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है ग्रुप जी का, ठीक है, तो इट इज अ सब ग्रुप। सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ करते हैं, अगर ए और बी बिलोंग्स टू एच है तो ए इंटू भी नहीं लिखाई है, ये बाइनरी भी लिखा हुआ है, हमें ए भी लिख रहे हैं मतलब बाइनरी ऑपरेशन लिख रहे हैं, नहीं मतलब जो भी ऑपरेशन यहां अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं और प्लस ऑपरेशन पे हम बात कर रहे हैं तो ये प्लस लिखा हुआ है जो भी बाइनरी है, तो ए बाइनरी बी एच को बिलोंग करेगा, और अगर ए एच को करेगा तो ए इनवर्स एच को करेगा, ये प्रूफ करना है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो है कि एक वर्ड पकड़ में आएगा इफ एंड ओनली इफ, जिसको आई डबल एफ लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा है इफ एंड ओनली इफ, सुन नहीं रहे हो क्या, हम क्या बोल रहे हैं, ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, हाँ हिंदी नहीं पूछ रहे, इसका मतलब पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ऊपर वाली जो चीज है वो है तो नीचे वाली चीज को प्रूफ करो, अगर नीचे वाली चीज ऐसा है तो ऊपर वाली चीज को प्रूफ करो, यानी अगर ये एच जो है वो सबग्रुप है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो ये सबग्रुप होगा, ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है, ये बात एक ही नहीं होती ना, जो भी कोई चीज उल्टी प्रूफ हो उल्टी सही हो, ये जरूरी नहीं है कि किसी नंबर किसी स्टेटमेंट का रिवर्स स्टेटमेंट सही हो, ठीक है, तो यहां रिवर्स स्टेटमेंट भी सही है ये कहना पड़ता है। तो हम करते क्या है, जब हम ऊपर वाली चीज को गिवन मानते हैं और नीचे वाली चीज को प्रूफ करते हैं तो कहते हैं ये कंडीशन नेसेसरी है, ये कंडीशन नेसेसरी है, और जब उल्टा प्रूफ करते हैं तो कहते हैं कंडीशन सफिशिएंट है, यानी दोनों तरफ से वो प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ में स्टेप वन हम लिखते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी, पहले प्रूफ करेंगे ये कंडीशन नेसेसरी, ऐसा होना ही चाहिए, कंडीशन इज नेसेसरी, बंद कर दो आवाज कर रहा है, कंडीशन इज नेसेसरी, हम ये प्रूफ करना है। तो कंडीशन इज नेसेसरी में हम क्या करेंगे, गिवन क्या मानेंगे, हम एच को सब ग्रुप मानेंगे, ठीक है, और प्रूफ क्या करेंगे, ये भाई साहब प्रूफ होने चाहिए, ठीक है, तो यहां पर गिवन क्या माना जाएगा, गिवन होगा एच इज अ सब ग्रुप, और प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ, प्रूफ करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये दोनों प्रूफ करेंगे, अब लिख नहीं रहे ऐसे लिख दिया हमने, जरा समझने की कोशिश करो, यानी आपको प्रूफ करना ये है, ये जो लिखा हुआ है ये प्रूफ करना, देखो प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ प्रूविंग करने जाते हैं, प्रूविंग सावधान, आप क्या करो, एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब एच ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अभी आपने आपको बोला था मालूम है क्या हमने बोला था, हाँ तो वही मैं कर रहा हूं, ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्लोजर लिखी है ना, और आप कह रहे हो एच सब ग्रुप है, तो अगर एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, करेगा ना, तो आप लिखेंगे एज एच इज अ सब ग्रुप, या आप मान के चल रहे हो, सो अगर मैं मान लूं कि ए बी एच में होगा तो ए बाइनरी बी भी एच में होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन है, अब हम लिख ये बाइनरी लगाते नहीं, ये भी लिख देते हैं एच में होगा, क्यों भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, इट प्रूफ द स्टेटमेंट, इट प्रूफ द स्टेटमेंट, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत में क्या कह रहे हो, स्टेटमेंट, आप शुरुआत में कह रहे हो कि एच सब ग्रुप है, यानी आप ये कह रहे हो कि एच जो है प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये पहली बात आपने लिखी, दूसरी बात आप लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये तो होता ही है ग्रुप में, यानी इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स ये इनवर्स है, तो आप जानते हैं कि एच सब ग्रुप है सो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इनवर्स एज इनवर्स एग्जिस्ट इन सब ग्रुप, एग्जिस्ट इन सब ग्रुप, सब ग्रुप में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ्स, स्टेटमेंट प्रूफ्स, ये प्रूफ हो गया, काम खत्म,
बोले वाह तब बड़ा बढ़िया कंडीशन है, ऐसे ही सब कंडीशन हो तो मजा आ जाए। ये इसलिए प्रूफ हो गया कि आपने शुरुआत में एच को सब ग्रुप मान लिया है, और सब ग्रुप मानने का मतलब आप मान के चल रहे हो कि सभी प्रॉपर्टीज ग्रुप की फॉलो कर रहा है। अब इसका उल्टा प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरे ने लिखा था कंडीशन इज सफिशियंट, उल्टा जो प्रूफ करते हैं कि पर्याप्त कंडीशन है, तो स्टेप टू पे लिखेंगे द कंडीशन इज सफिशियंट। सफिशियंट देखो ध्यान से, कंडीशन इज सफिशियंट का मतलब क्या होता है कि जो गिवन चीज है उसको प्रूफ करेंगे, और जो प्रूफ कराई गई थी उसको हम गिवन मानेंगे। यानी यहां पर गिवन क्या मानेंगे, गिवन मानेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, और प्रूफ क्या करेंगे कि एच इज सब ग्रुप। अब प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ देखो, एच को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो कराना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। कोई भी दो एलिमेंट, सुनो ध्यान से, कोई भी दो एलिमेंट अगर एच में है तो उनका ऑपरेशन भी एच में होगा, ये गिवन है, कोई दो एलिमेंट। और अगर ए में है, ए है तो ए इनवर्स होगा, ये भी आप जानते हैं, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करा पहले मालूम हो गया। ठीक है, अब देखो जरा इसको प्रूव करने जा रहे हैं। हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए बाइंडिंग बी है, बिलोंग्स टू एच, क्या है प्रूफ है, ऑलरेडी गिवन है, इट इज ऑलरेडी गिवन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये प्रूफ हो गई, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दूसरी बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एच जी का सबसेट है, और जिस ऑपरेशन पे एच काम जी काम कर रहा है उसी ऑपरेशन पे एच भी काम कर रहा है, इसलिए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को खुद फॉलो करेगा। मतलब प्लस के केस में अगर नेचुरल नंबर 2+3+4 को फॉलो करता है, तो अगर एक सबसेट ले लोगे 7+3+8 = 7+3+8 ही फॉलो करेगा, अगर ये ऐसा फॉलो कर रहा है तो ये इसका सबसेट भी फॉलो करेगा, क्योंकि जी बाइंडिंग का सबसेट है एच, तो इसलिए अगर जी एसोसिएटिव है तो उस लॉ को अल्टीमेटली जी जो एच है वो फॉलो ही करेगा। तो आप लिखेंगे एज एच इज सबसेट ऑफ जी एंड जी फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सो एच विल आल्सो फॉलो, एच विल आल्सो फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वो ही फॉलो करेगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के पहले आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स लेना पड़ेगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ रेटिंग होने आ रही है इनवर्स। अगर ए एच को बिलोंग करेगा तो ए इनवर्स भी एच में होना चाहिए, तो गिवन है ऑलरेडी, गिवन है, सो इनवर्स एग्जिस्ट, सो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, हो गया प्रूफ हो गया। अब आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बस ये प्रूफ हो जाए, प्रूफ चल रहा है। पांच चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सुनो ध्यान से, एज ए एच को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, और ए इनवर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो एलिमेंट ए और बी एच में है तो उनका बाइनरी ऑपरेशन भी एच में होगा, तो इसका मतलब बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर
लॉ, ए और ए इनवर्स का ऑपरेशन भी किसमें होना चाहिए? एच में होगा। वो आपसे वो कह रहा है कोई भी दो एलिमेंट अगर है भाई, क्लोजर का मतलब कोई दो एलिमेंट, तो हमने दो एलिमेंट कौन कौन से लिए, ए और ए इनवर्स, इसको क्या कहते हैं? ई कहते हैं, जिसका मतलब ई बिलोंग्स टू एच। तो प्रूफ्स, सो इज ई बिलोंग्स टू एच हो गया, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, तो एज एच फॉलोज, एच फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सो एच इज, सो एच इज सब ग्रुप, इसलिए एच क्या है, सब ग्रुप है, हेंस प्रूफ हो गया, स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। सभी बात आई नहीं आई, करिए इसको।